गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरो वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए, आप लोगों के सामने एक वोल्टास का डिस्पेंसर है और इसका जो ऊपर वाला जो ये देखिए, इसमें मैं एक प्री फिल्टर भी मैं लगा रखा हूँ और इसका कनेक्शन टैप से एक डायवर्टर सेट लगा करके मैंने कर रखा। और इसमें मुझे एक जार प्लेस करना है। इस जार में आप देखिए, खासियत यह है कि जब इसके अंदर में पानी भरेगा तो अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ओवरफ्लो करेगा, इसलिए ये सिस्टम को इसमें लगाया गया है। तो ऐसे ही ये जब पानी के दबाव से उठेगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इसमें प्लेस कर देता हूँ। इसमें खाँच बना हुआ है यहाँ पर, इस खाँच को मुझे इस गैप में बैठाना है। देखिए, मैं इसको ऐसे कर दूँगा तो ये बैठ जाएगा किसी एक किनारे में, बैठेगा तो आवाज़ करेगा। देखिए, बैठ चुका है, अब ये मूव नहीं कर रहा है। और एक और नॉन इलेक्ट्रिकल ये जो फ्लोट बल्ब है, इसमें टाइट किया हुआ है ताकि जब पानी यहाँ तक भरे तो बंद हो जाएगा। इसको भी मैं इसमें रख देता हूँ। ध्यान से मूव करना होगा और इसमें मुझे पाइप को इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं इंसर्ट कर दिया और ये सही से बैठा हुआ है। अब मुझे इसमें यहाँ से डाइवर्टर सेट से पानी ऑन करते हैं। देखिए, इसमें पानी आना शुरू हो गया है और जब पूरा भरेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वर्क करेगा। नीचे वाला फ्लोट बल्ब भी वर्क करेगा और पूरा भरने के बाद जो ऊपर वाला नॉन इलेक्ट्रिक फ्लोट बल्ब है वो भी वर्क करेगा। देखिए, इसमें थोड़ा पानी आ गया, मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ। और इसको जब मैं ऊपर करूँगा तो ये बंद हो जाएगा पानी आना। देखिए, अब सिर्फ ऊपर पानी भर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। जैसे ही छोड़ेंगे इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। और मैं अब ऊपर वाला दिखाता हूँ आपको। ऊपर वाले को जब मैं इसको जैसे पानी के दबाव से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी पानी आना बंद हो जाएगा। इसको हम अच्छे से टाइट करके बैठा देते हैं। नीचे वाले को भी ये खाँच बने से बैठा दिए। देखिए, फंस गया है तो इस ढंग से आवाज़ कर रहा है। इसका फ्लोट वाल्व का भी डायरेक्शन देखना है, वो सही होना चाहिए ताकि वो पानी के दबाव से उठ सके। तो इस ढंग से सिस्टम काम करता है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने और इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे नए व्यूअर होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।